आज काफ़ी दिनों के बाद आए हैं बर्डिंग करने, बर्ड वॉचिंग करने के लिए, वही अपने पुराने जगह पे। लेट्स सी क्या दिखता है। देखिए काफ़ी सारे फ्लेमिंगोज आए हुए हैं। इतना बड़ा वाला कैमरा भी ले आए हैं। इसमें तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा कुछ दिख रहा होगा, दूर में काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। ये सब जुवेनाइल फ्लेमिंगोज हैं। नेवी मुंबई का ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट प्लेस है। मैं पहले यहाँ काफ़ी आया करता था, ऑलमोस्ट एवरी डे सुबह को आ ही जाता था यहाँ पे बर्डिंग करने के लिए। अभी तो कम है बर्ड्स, बट और होते हैं यहाँ पे, पूरा भरा हुआ होता है जब थोड़ा गर्मी आने लगता है तब। फ्लेमिंगोज के यहाँ पे हजारों फ्लेमिंगोज यहाँ पे आपको दिखेंगे, और जस्ट उसके उस पार है एक्चुअल में समंदर, तो जब समंदर में हाई टाइड होता है तब वो इधर आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मज़ा आ रहा है, देखते हैं क्या आज ले पाते हैं। बर्डिंग का फिर से शौक चला है, सब करेंगे बर्डिंग फिर से। ये जो बड़े वाले हैं इसको ग्रेटर फ्लेमिंगोस कहते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली भी पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये सारे छोटे हैं। दो तरह के होते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो, एक लेसर फ्लेमिंगो, और ये मोस्टली एल्गी खाते हैं। ये अपना पूरा गर्दन अंदर पानी के अंदर डालकर मिट्टी में जो है वो अपना चोंच को रगड़ता है, और उसमें जो एल्गी है वो निकल के आता है, और उस एल्गी को ये लोग खाते हैं। ज़बरदस्त है। और धीरे 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 फिर इसी एल्गी को खाने के कारण इनका जो रंग है वो पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि एल्गी में कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट उस सब्सटेंस के कारण जो है इसके बॉडी में ज़्यादा हो जाने के कारण उनका जो फेदर है ये सब पिंक कलर में आ जाता है। तो कुछ महीनों बाद ये सारे जब बड़े हो जाएंगे तो ये पिंक कलर के हो जाएंगे, और जब ये उड़ते हैं तो एकदम मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके पंख के नीचे आग लगा है, इसलिए अग्निपंख भी कहते हैं इनको। देखिए एक उड़ के आ रहा है। काफ़ी सारे बर्ड्स के फोटोज़ आए हैं, बट लाइटिंग उतना अच्छा नहीं, सूर्य काफ़ी ऊपर आ गया है, देखते हैं कैसा है एडिटिंग में पता चलेगा, बट अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद ही कर रहा हूँ, शांत एकदम, कोई नहीं है।
ये सब में मुझे बहुत मज़ा आता है। घंटों चुपचाप जंगल में जाके बैठे रहना, ब्यूटीफुल। ये देखिए, और ये अपना पुराना कैमरा, सबसे पहले वाला। यहाँ बर्डिंग करने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ये एक्चुअली शहर से लगा हुआ ही है। ये जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं पाम बीच रोड, और ये पाम बीच रोड के सामने के ये सारे बिल्डिंग्स और उससे लगा हुआ ये वाटर पॉकेट्स, यहाँ पे सर्दियों में ये सारी बर्ड्स आते हैं। ये TS चाणक्य के जस्ट ऑपोजिट में ही है, तो कोई भी अगर आप लोग कभी बर्डिंग या फिर बर्ड ऐसे देखना चाहते हैं, फ्लेमिंगो वगैरह, बिना इन लोगों को डिस्टर्ब किए, तो आ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, दूर से देखिए, मज़े लीजिए, बस डिस्टर्ब मत कीजिए। चलने का वक्त हो गया, काफी धूप भी बढ़ गया है। लेट्स मूव। सो दिस इज द प्लेस, ब्यूटीफुल है ना। पहले तो यहाँ कोई भी नहीं आता था, बहुत कम लोग आते थे, पर अब तो ये बहुत यहाँ लोग आने लग गए, बहुतों को पता भी चल गया। और देखो एक बाज, इसमें से दिखेगा नहीं, और एक ईगल जो है वो आया हुआ है। अब देखना यहाँ पे सारे बर्ड उड़ने स्टार्ट होंगे, क्योंकि ऊपर में एक ईगल मंडरा रहा है, और ये आते हैं छोटे बर्ड्स को उठाने के लिए, बड़े आसानी से लपक लेते हैं। गर्मी बढ़ रहा है, चलना चाहिए। अभी ये टाइम हो गया लो टाइड का, तो जिस कारण से जो है यहाँ पे अब बर्ड्स उतने नहीं मिलेंगे, वो सारे अभी जा रहे हैं ये समंदर में। जब हाई टाइड आता है समंदर में तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि समंदर में ज़्यादा पानी हो जाता है, और इन लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, इन लोगों को सैलो वाटर चाहिए, जिसमें कि अपना चोंच डुबो कर ये एल्गी को ये लोग जो है वो सक करते रहे। ज़्यादा पानी हो जाने पे हाई टाइड में ये लोग वो नहीं कर पाते हैं, सो वो लोग इस तरीके के जगहों पे आते हैं। यहाँ पे मोर और लेस पानी जो है वो एक जैसा ही रहता है, हालांकि ये समंदर का ही पानी है जो हाई टाइड में यहाँ पे आ जाते हैं, आ गया है, और उसको फिर बंद कर दिया जाता है। मज़ा आया लेकिन सच में, इस तरीके का और भी होगा, अब पहले जैसा मैं फिर से चलता रहूंगा। चलो चला जाए।